हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोयल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, मैं थर्मोडायनेमिक का यूनिट थर्ड के बारे में आज डिस्कस करूंगा। जो हमारा यूनिट थर्ड है वो है अवेलेबिलिटी क्या होती है एंड इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड में अवेलेबिलिटी के बारे में और इरिवर्सिबिलिटी हमारी क्या होती है। तो फर्स्टली दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं जस्ट उठ के आया हूँ, सो के जग के आया हूँ और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा एक्टिव हूँ, वैसे आप भी एक्टिव रहिएगा, थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अवेलेबल एनर्जी हमारी क्या होती है। फर्स्टली हमारा आ सकता है कि अवेलेबल एनर्जी क्या होती है और अनअवेलेबल एनर्जी हमारी क्या होती है। तो अवेलेबल एनर्जी हम दोस्तों उस एनर्जी को कहते हैं जो हम इनपुट देते हैं और वो हमारा क्या हो, पूरा कन्वर्ट हो जाए इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। जो हमारा मैकेनिकल यूजफुल होगा वह हमारा कहलाएगा अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी को एक नाम से हम और जानते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सर्जी। क्या कहते हैं? एक्सर्जी। तो आपको समझ में आ गया अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल वर्क, दिस इज कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी। यानी पूरे हीट एनर्जी साइकिल में, सपोज दैट मैंने साइकिल की बात करूं, मैंने एक साइकिल की बात किया, ये हीट एनर्जी हमारा साइकिल है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये हीट ले रहा है, ये T2 अमाउंट होगा, एक रिजर्वायर है, एक हमारा रिजर्वायर, ये क्या है, T1 रिजर्वायर है। अब क्या है, ये फिर इसको T1 दे दो, इसको T2 दे दो, ठीक है, क्योंकि जल्दी हम यही कंसिडर करते हैं। अब क्या है, ये जो वर्क डन हमारा पूरा फॉर्म होगा, जो यहाँ से इनपुट लिया और जो हमारा वर्क डन पूरा फॉर्म कर रहा है वह हमारा अवेलेबल एनर्जी होता है। यानी जो भी हमारा फॉर्मेशन होगा इस साइकिल में, जो कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल वर्क, दिस इज कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है। अनअवेलेबल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं कि जो नॉट यूटिलाइज एंड इज टू बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड अनअवेलेबल एनर्जी। कहने का मतलब, यहाँ की जैसे हमने देखा जो हमारा वर्क डन प्राप्त हो रहा है, जो हमें कार्य मिल रहा है, दिस इज हमारा कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा अवेलेबल एनर्जी। दोस्तों, जो एनर्जी हमारी वर्क में कन्वर्ट हो गई वो तो हमारी हो गई अवेलेबल एनर्जी, लेकिन जो हमारा ये क्या होगा, कुछ भी ये क्या करेगा, कुछ तो रिजेक्ट करेगा ना, जो अनयूटिलाइज वर्क होगा पूरा, तो पूरा 100% एफिशिएंसी हमारा कन्वर्ट नहीं करता। तो जो हमारा रिजेक्टेड हीट है, जो रिजेक्टेड हमारा वर्क डन एक तरीके से, जो अनयूटिलाइज हमारा एनर्जी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वह हमारा कहलाता है अनअवेलेबल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड नॉट यूटिलाइज and is to be the rejected to the surrounding, this is called the unavailable energy. Unavailable energy को एक नाम से हम और जानते हैं, उसे हम कहते हैं energy. हम क्या करते थे, energy कहते हैं, ठीक है, वो energy है, वो क्या है, इसमें क्या है, energy है। तो आपको याद रखना है ये दो टर्म, अवेलेबल एनर्जी को exergy हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं energy। अगर दोनों को हम मिला दें तो हमारी पूरी बन जाती है energy। अगर एक्सर्जी को ले लें, अनअवेलेबल एनर्जी को हम काउंट करते हैं और अनअवेलेबल एनर्जी को हम दोनों को प्लस करते हैं, यानी एक्सर्जी को और एनर्जी को हम काउंट करते हैं, दोनों को सम करते हैं, तो हमारा पूरा बन जाता है एनर्जी। तो ये दोनों होता है दोस्तों, अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सप्लेन द अवेलेबिलिटी ऑफ ए क्लोज सिस्टम। हमारे इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ए क्लोज सिस्टम हमारा क्या होता है, हमें एक्सप्लेन करने को पूछेगा, और पूछेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ ए ओपन सिस्टम हमारा क्या होता है, इसके बारे में पूछेगा। तो हम बात करते हैं पहले अवेलेबिलिटी ऑफ ए क्लोज सिस्टम के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।